आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यहीं से कर्नल अजय जी बात करें, आगे बढ़ें कपास और कपास खली की, तो हमने दोनों में ही तेजी बनते देखी है। कपास में तेजी आती है तो बिनौला खल में भी तेजी आती है, और बिनौला खल में आप पहले ही बता चुके हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि साल 2021 के कुछ ही दिन बचे हैं, 2022 का आगमन होने वाला है, तो ऐसे में 2022 के आगमन में कपास और कपास खली का रुझान कैसा रह सकता है? देखिए, कपास के लिए भी यदि आपको ध्यान हो तो कल हमारे एक विशेष शो के अंदर हमने आपको पूरा जोन वाइज अपना विश्लेषण दिया था कि सेंट्रल जोन, साउथ जोन और नॉर्दर्न जोन के अंदर कपास यानी कॉटन की अराइवल कितनी है। ये मार्केट टाइम्स टीवी पर ये शो उपलब्ध है, दर्शक बंधु आप देखना चाहें तो हमारे कल वाले विशेष शो को एक बार दोबारा देखें। उसके अंदर भी हमने ये कहा था कि बहुत कम अराइवल हो रही है कपास की जी। क्योंकि कपास की जब अराइवल नहीं होगी, जब आगमन नहीं होगा मंडियों में, तो उसका असर कपास खली के ऊपर निश्चित रूप से पड़ेगा और कपास कॉटन सीड ऑयल के ऊपर भी निश्चित रूप से पड़ने की संभावना है। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी देखने में आ रही है कि कपास के अंदर अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है वो कॉटन जो है वो उसकी अनुपात या उसकी मात्रा कम है। नॉर्मली ये होता था कि हर साल यदि हम आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो 15-20% की का कॉटन हल्का होता था, बाकी 80% कॉटन की क्वालिटी अच्छी होती थी। लेकिन इस साल उल्टा सा हो रहा है, विपरीत हो रहा है, और लगभग 60-70% और कई इलाकों में तो 80% अच्छी कॉटन नहीं आ रही है और वो दागी कॉटन आ रही है। और इसका प्रमुख कारण भी यही बताया जा रहा है कि पिंक बॉम जो कीड़ा था उसके वजह से कॉटन की फसलों को काफी नुकसान हुआ और बेमौसम बरसात के अंदर भी फसलों को नुकसान हुआ और इसका खामियाजा कॉटन को देखने को मिल रहा है। अच्छी क्वालिटी के कॉटन नहीं उपलब्ध होने के वजह से जिनके पास अच्छी क्वालिटी की कॉटन है, मिलर्स जो हैं, जीनर्स जो हैं, उन्होंने भी अपना हाथ रोक के माल बेचने का निर्णय अक्सर सुनने में आ रहा है। और दूसरी, किसान के भी जो नरमा है, उसका जो कॉटन है उसको रोक कर चलने में उसको समझ आ रही है और वो डायरेक्ट मिलर्स या जीनर्स से ही कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्थिति के अंदर या अभी कॉटन की जो स्थिति है वो बिल्कुल माड़ी है, बहुत अच्छी नहीं है। तो इसको कुल मिला के यही देखा जा सकता है कि यदि छोटी अवधि के लिए देखा जाए तो कॉटन के अंदर अभी आज जो है तेजी बनी रह सकती है और इसका कॉटन सीड ऑयल केक जो है कपास या खली उसके अंदर भी तेजी की संभावना बन सकती है। यद्यपि कुछ एसोसिएशंस ने कपास या खली के वायदे पे रोक लगाने की भी सरकार से अर्जी लगाई है कि इसके वायदे को रोक लगनी चाहिए, सट्टेबाजी रुकनी चाहिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये जरूरी है कि एनसीडीएक्स पर रोक लगाने से क्या वो तेजी रुक सकती है जी? क्या तेजी मंदी में कन्वर्ट हो सकती है? क्या इससे किसान और कारोबारियों को फायदा होगा? ये तीन प्रश्न होते हैं। तो बिल्कुल लाइव एग्जांपल हमारे सामने है कि सोयाबीन के अंदर तेज रोक लगी, रिफाइंड सोया के ऊपर रोक लगी, पाम ऑयल पे रोक लगी, इंपोर्ट ड्यूटी घटी, उसके बावजूद के अंदर एक सप्ताह में ही लगभग 15% की तेजी दर्ज हो गई। तो ये तो निश्चित है कि जो भी तेजी या मंदी है वो बहुत लंबे समय तक यदि ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर नहीं होगी तो वो लंबे समय तक कामयाब नहीं रहेगी, क्योंकि एग्रो कमोडिटीज का जो भी कारोबार है, एग्रो जींस का जो भी कारोबार है, वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर चलता है जी। साथ साथ सेंटिमेंट के आधार पर चलता है, ये निश्चित है। यदि आपके पास उत्पादन कम है, अराइवल कम है, तो कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध बहुत लंबे समय तक कारगर नहीं रह सकता है। ये उसी प्रकार है कि अक्सर कहा जाता है कि भूखे पेट कभी मंदी नहीं आती,
और भरे पेट कभी तेजी नहीं आती, ये अक्सर सुनने में आता था हमारे बुजुर्ग और गांव के बुजुर्ग और व्यापारियों के, अक्सर ये सुनने में आता था कि खाली पेट कभी भी मंदी नहीं आएगी और भरे पेट कभी तेजी नहीं आएगी। इसका अर्थ मैं आपको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यदि पाइपलाइन के अंदर माल नहीं है तो किसी भी कीमत पे मंदी नहीं आती है। पाइपलाइन खाली है, मंडियों में माल नहीं है, तो आप उस समय आप मंदी की उम्मीद करें तो ये ठीक नहीं है। और भरा पेट हो, मतलब कि माल मंडियों में भरपूर हो, ऊपर नीचे माल पड़ा हुआ हो, पाइपलाइन पूरी भरी भी हो, उस समय आप तेजी की उम्मीद करें तो ये भी नहीं होता। तो यदि पाइपलाइन खाली है, यानी खाली पेट है, तो पाइपलाइन खाली है तो निश्चित माने बहुत लंबे समय तक वो मंदी नहीं जारी रह सकती। और भरा पेट यानी जब पाइपलाइन के अंदर माल है, मंडियों में माल है, ऊपर नीचे माल पड़ा हुआ है, उस समय आप तेजी की उम्मीद करें तो ये भी गलत होगा। और यही वजह है कि लाल मिर्च में भी आप देख लें, इसके अलावा मसाला पैक में, धनिया में भी आप देख लें, जीरे में भी आप देख लें, कपास में भी आप देख लें, ये सारी चीजें बिल्कुल निश्चित क्लियर होती जाती है। और जब यदि आप बहुत बड़ा इंपोर्ट कर लेते हैं या बहुत बड़ा आपके पास बफर स्टॉक है तो आपका पेट भर जाता है, लेकिन ऐसा कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है कि निकट भविष्य के अंदर कोई बहुत बड़ा इंपोर्ट होने वाला है सरकार के जरिए या कोई बहुत बड़ा बफर स्टॉक बनाया जा रहा है सरकार के जरिए या और किसी तरीके से। जब तक ये चीजें नहीं होगी आप बहुत बड़ी तेजी या मंदी का अनुमान कैसे लगा सकते हैं। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि अभी बिनौला खल की कपास का जो बीज है उसकी उपलब्धता मार्केट में इतनी देखने को नहीं मिल रही है, जिसका असर बिनौला की कीमतों पर तेजी के तौर पर पड़ता नजर आ रहा है। और दूसरा, अभी आगे इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी जरूर देखने को मिलेगी, जिसका अनुमान, जिसकी प्रिडिक्शन कर्नल अजय जी ने काफ़ी समय पहले ही कर दी थी कि बिनौला खल साल 2021 के अंत तक और 2022 में काफ़ी शानदार मुनाफा देता नजर आएगा। और उसके साथ साथ कपास की भी जो भविष्यवाणी है, जो प्रिडिक्शन है, कर्नल अजय जी ने काफ़ी समय पहले कर दी थी, और उस समय कर दी थी जब कोई भी विशेषज्ञ कपास में तेजी के बारे में नहीं बोल रहा था, सबको यही लग रहा था कि कपास में गिरावट ही आएगी, तब कर्नल अजय जी ने कपास में तेजी का अनुमान दिया था और वो अब हम सत्य साबित होता हुआ देख रहे हैं। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक, बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।